देश में मॉनसून सीजन अब खत्म होने की कगार पर है। हालांकि बिहार और यूपी में बाढ़ की तबाही जारी है। बिहार के 16 जिलों में 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 30 सितंबर को अलग अलग जिलों में 8 लोग बह गए। नेपाल में बारिश ने 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पड़ोसी देश ने 6,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इससे बिहार में 56 साल बाद कोसी में इतना ज्यादा पानी आया है। बीते 24 घंटे में अलग अलग जिलों में 7 से ज्यादा बांध टूट गए हैं। वहीं यूपी में 4 दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी 50 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना है। IMD ने बताया कि 1 जून से 30 सितंबर तक मॉनसून सीजन में इस बार देश भर में सामान्य से 8% ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सामान्य से 56% ज्यादा और पंजाब में सबसे कम सामान्य से 28% कम बारिश हुई। गुजरात में सरदार सरोवर नर्मदा डैम 1 अक्टूबर को सीजन में पहली बार फुल हुआ। आज डैम अपने अधिकतम स्तर 138.68 मीटर पर पहुंच गया है। IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि इस बार मॉनसून 1 जून से पहले आ गया था और उसकी आखिरी विदाई अक्टूबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग 1 जून से 30 सितंबर तक होने वाली बारिश को ही मॉनसूनी बारिश मानता है।